गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत करते हैं वापस से एक नए वीडियो में। सुबह के बज रहे हैं 8। मौसम बहुत ही लाजवाब है और इस मौसम में निकलने का प्लान बना लिया है बनारस। तो देखते हैं कि आज बनारस में क्या क्या एक्सप्लोर किया जाता है। वैसे एक दो काम है उसको करना है फिर उसके। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो आ रहा है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो थोड़ा मनोबल गिर जाता है और आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मनोबल को बढ़ाएं। कोहरा अचानक से काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अब हम निकलने जा रहे हैं घर से। और एक बार मेरा लुक देखें, एकदम बांध बांध के निकले हैं घर से। अचानक से कोहरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। आज तो मस्त ठंडी है, एकदम जैसा लगता है कि हाँ ठंडी पड़ रही है। अभी हम हैं जौनपुर से चिराकत वाले रोड पे, देख रहे हैं कोहरा कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और अभी 9 बजे ही बनारस पहुंचना है। तो ध्रुव, अब हम पहुंच चुके हैं चिराकत वाले पुल पे। वेंकटेश्वर महादेव जी का मंदिर और ऐसे स्ट्रेट हम जाएंगे तो बनारस की तरफ जाएंगे सिंदौरा होते हुए। अब जाके कोहरा कुछ कम हुआ है और अभी हम पहुँचे हैं पलई पट्टी। ये देखिए, हमारे राइट साइड वाला रूट जाता है एयरपोर्ट की तरफ और लेफ्ट साइड वाला रूट जाता है चंदौली गाजीपुर की तरफ। आप यहाँ से जा सकते हैं और ये सीधा जाएगा वाराणसी। तो अभी हम बनारस में एंट्री ले चुके हैं, बस 4 किलोमीटर और है और हम लगभग 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं। ये हमारे पीछे देख रहे होंगे एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऑफिस है, देन इसके बाद काफ़ी सारे शोरूम्स भी हैं इसमें। बाद में किस काम से आया हूँ वो बताऊँगा आप लोगों को रात को। तो अभी चलते, पहले तापते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज बॉडी हिल रहा है। पूरे 15 मिनट हो गए हैं खड़े होके बट अभी तक अंदर से बॉडी हिल ही रही है और अभी बाथरूम चल रहा है, पैंट चेंज करना है, पूरा पैंट गंदा हो गया है। और ये है लंच, चावल, एक टमाटर, स्पून और छोले हैं, 2 रोटी हैं। इसे कंप्लीट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये देख रहे हैं इसी में ट्रेनिंग चल रहा है। तो फिलहाल एक सेशन ख़त्म हो चुका है और लंच वगैरह भी कंप्लीट हो चुका है। जो लंच हमने आप लोगों को दिखाया वो जेन्युइन था, एक आदमी के लिए काफ़ी था, मज़ा आया। काफ़ी टाइम से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था और पता नहीं ये आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, बट ये एक डिटेल देने के लिए काफ़ी लोगों को ये हेल्पफुल होगा। देखते हैं कि कितना हेल्पफुल होता है। तो हम कैंटोनमेंट में जो टीएच टावर के पास जो ब्रांच है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, हमारी ट्रेनिंग वहाँ चालू हुई है। हम सैटरडे को इंटरव्यू देने आए थे। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ सोच रहा था करने को, तो फाइनली मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझे सेलेक्शन हो गया था। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग इस पर आना चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, क्योंकि अभी ये बैंक सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकाल रही हैं तो इसके लिए ये हेल्पफुल होगा शायद से। और ये पूरे 5 दिन के ब्लॉग सिर्फ उत्कर्ष बैंक से रिलेटेड ही रहेंगे। हम सुबह से जब से आए हैं तब से हम यही देख रहे हैं कि जितनी भी औरतें हैं ये सर पे ऐसा लेके जा रही हैं। तो बनारस के अगर कोई व्यूवर्स हैं तो बता सकते हैं कि ये लोग कहाँ जा रही हैं, कि एक सुबह से देख रहे हैं हमेशा। ये आवागमन सुबह से ही चालू है और अभी तक रुका नहीं है और हमें लगता है शाम तक रुकेगा भी नहीं। तो गुरु मिला जुला के 10-15 मिनट यहाँ बिता लिया, चल रहे हैं अंदर। ये है हमारा होटल और ये मिला है हमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ट्रेनिंग में। 4 दिन की ट्रेनिंग है और 4 दिन हमें यही रहने हैं और रात के खाने हमें बाहर खाने हैं, दोपहर में वहाँ से मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल। कल देखते हैं क्या होता है, तो कल की जानकारी कल के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। गुरु, हमने सोचा कि कुछ अच्छा नहीं दिखा पाया अभी तक, तो बनारस के स्टेशन का एक व्यू दिखा देते हैं आप लोगों को और यहाँ के डीजल इंजन का एक व्यू, तो आप लोग उसे इंजॉय करिए। नंबर
ये है हमारे वाराणसी रेलवे स्टेशन की खूबसूरती, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ एक बहुत ही प्यारा व्यू। लोकमान्य तिलक टर्मिनस रक्षावन एक्सप्रेस फ्रॉम लोकमान्य तिलक टर्मिनस। हमें पता है कि आप लोगों ने ये चीज देखा है, बट हम अपने ब्लॉग में ये दिखाना चाहते थे, पर आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाय। देखो ये ऐसा बुक मिला है, और इसके बाद डे वन ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऐसे आंसर देने पड़ते हैं। ये है, ये है, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, और उसके बाद आपका ये भी भरना है। डे टू का कल आएगा,